हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव पर स्वागत है। आई जाने मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षकों द्वारा तिरंगा यात्रा। पहले सरकार ने बनाई फिर एक समिति, जानते हैं उस समिति में क्या होगा। अतिथि शिक्षकों, रोजगार सहायकों तथा संविदा कर्मचारियों का अब हो सकता है नियमितीकरण। 1 सितंबर 2019 का अपडेट है। चलिए देखते हैं पूरा अपडेट विस्तार से। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। सीहोर से शुरू होगी यात्रा, भोपाल में होगा आंदोलन। प्रदेश के पूरे 52 जिलों के अतिथि शिक्षक इस तिरंगा यात्रा में जुड़े हैं। यह यात्रा भव्य हो सकती है, इसलिए सरकार ने उससे पहले ही एक समिति का पुनः गठन किया है। जिले के अतिथि शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर 31 अगस्त 2019 को मुख्यमंत्री व राज्यपाल के नाम संयुक्त लेटर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कांग्रेस सरकार द्वारा अपनी वचन पत्र के अनुसार नियमितीकरण व बाहर हुए अतिथि शिक्षकों रिक्त पदों पर पुनः नियुक्ति करने का आदेश जारी करने हेतु मांग की गई। लेकिन यह मांग काफ़ी लंबे वर्षों से चली आ रही है, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर अमल नहीं किया है। अतिथि शिक्षकों की मुख्य मांगे हैं, वचन पत्र एवं कमलनाथ जी द्वारा 12 नवंबर 2018 को चुनाव प्रचार के दौरान कही गई घोषणा के अनुसार अतिथि शिक्षकों को गुरुजी के समान नियमितीकरण किया जाए। दूसरी मांग है कि पूर्व में कार्यरत बाहर हुए अतिथि शिक्षकों को संविदा कर्मचारियों के समान रिक्त पदों पर पुनः कार्य में बुलाया जाए। यह मुख्य दो मांगे हैं, और इन दो मांगों से अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हो जाएगा। उनको पेंशन, ग्रेजुएटी, बीमा लाभ, यात्रा भत्ता, सब सारी सुविधाएं मिलेंगी। आज मध्य प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों पर अतिथि शिक्षकों का शानदार कार्यक्रम और घेराव सफल रहा। अब यही सैलाब अब 4 सितंबर को एक साथ सीहोर पहुंचेगा, और प्रदेश इतिहास का सबसे बड़ा कार्यक्रम तिरंगा यात्रा में सम्मिलित होकर इतिहास रचेगा। अब अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होकर ही रहेगा, ऐसी आशा है अतिथि शिक्षकों की। और मैं वीडियो के माध्यम से यही आशा करता हूं कि सरकार इस तिरंगा यात्रा को भव्य बनाकर जो यात्रा यह शुरू हो रही है वह शिक्षक दिवस के रूप में सफल बना दे, तो सरकार का बहुत बड़ा एहसान होगा अतिथि शिक्षकों पर। अतिथि शिक्षक, रोजगार सहायक तथा संविदा कर्मचारियों के लिए सरकार ने नई समिति बनाई है। इस समिति में क्या है देखते हैं। राज्य शासन द्वारा अतिथि शिक्षकों, रोजगार सहायकों तथा अन्य संविदा कर्मचारियों के संगठनों से प्राप्त अभ्यावेदनों के निराकरण के लिए गठित मंत्री परिषद समिति की सहायता के लिए पूर्व में गठित उप समिति में संशोधन कर नई समिति बनाई गई है। बता दें कि फरवरी 19 में समिति बनाई गई थी, जिसे 3 महीने में प्रतिवेदन देना था, लेकिन अभी तक उसका कोई प्रतिवेदन नहीं आया। नई समिति में क्या बदलाव किया गया है। इस समिति में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन को अध्यक्ष तथा अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, अपर मुख्य सचिव वित्त, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा तथा संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव को सदस्य बनाया गया है। मतलब जितने भी विभाग हैं उनके अपर मुख्य सचिवों को तथा प्रमुख सचिवों को इनका सदस्य बनाया गया है, और मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन इसके अध्यक्ष होंगे। मतलब जो आईएएस ऑफिसर हैं वे इस समिति के सदस्य और अध्यक्ष होंगे। यह समिति ऐसे अभ्यावेदनों पर विचार करेगी जो स्थायीकरण और अन्य मांगों से संबंधित हैं तथा जिनसे शासन पर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा। सरकार को लगता है कि अतिथि शिक्षकों को यदि नियमित करते हैं तो शासन पर वित्तीय भार आएगा, खजाने पर भार पड़ेगा। लेकिन ये जो सदस्य हैं अभी नई समिति के तहत बने हैं, वे इस प्रकार से निराकरण करेंगे, इस प्रकार से सुविधा मुहैया कराएंगे। अतिथि शिक्षकों को यदि नियमित भी किया जाता है तो सरकार के खजाने पर कोई वित्तीय भार न पड़े। फरवरी में पहली समिति गठित की गई थी। राज्य शासन द्वारा फरवरी 2019 में अतिथि शिक्षकों, रोजगार सहायकों और अन्य संविदा कर्मचारियों के संगठनों से प्राप्त अभ्यावेदन जो उनके स्थायीकरण और अन्य मांगों से संबंधित है और जिनमें वित्तीय भार निहित नहीं है पर विचार कर निर्णय लेने के लिए मंत्री परिषद समिति का गठन किया गया था। समिति के सदस्य सामान्य प्रशासन मंत्री श्री गोविंद सिंह बनाए गए थे। समिति में जनजाति कार्य, विमुक्त, घुमक्कड़ जनजाति, कल्याण मंत्री, मतलब उस समिति में मंत्रीगण थे। लेकिन इस समिति में यही अंतर किया गया है कि अब सामान्य प्रशासन के मुख्य सचिव और अपर सचिव और सचिव रहेंगे, मतलब क्लास 1 ऑफिसर रहेंगे जो आईएएस आईपीएस होते हैं। तो हो सकता है इस समिति के तहत अगर कर्मचारी ही कर्मचारी का अगर फायदा सोच ले तो नियमितीकरण हो सकता है। तो इस प्रकार से अपडेट था।
अतिथि शिक्षकों को लेकर। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।